सिंडिकेट को बेनिफिट क्या मिला कि ऐसे लोग जो अकेले पैसा नहीं दे सकते थे उन्होंने कंबाइन करके दे दिया, उन्हें बेनिफिट मिल गया, उनका पैसा इन्वेस्ट भी हो गया। दूसरी बात ये है वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू प्लूटस आईएएस गाइस। सो डियर, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 इकोनॉमिक सेक्शन में जो क्वेश्चंस आए हैं उस पे, जो हम लोग सीरीज बना रहे हैं कि यूपीएससी ने कौन कौन से टॉपिक्स को टच किया है और हर टॉपिक को हम इन डेप्थ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज इसी सीरीज में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो गाइस, इस बार यूपीएससी ने एक बात करी, एक टर्म यूज किया और ये टर्म काफी सारे एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा नया था। इसमें कोई दम नहीं है, बड़ा नॉर्मल सी चीज है, लेकिन बट अगेन इट वाज न्यू, सो इट हैज गॉट द टेस्ट ऑफ बीइंग न्यू। ये था बस इसके साथ, सिंडिकेट लोन। तो अब ये सिंडिकेट लोन या सिंडिकेटिंग लेंडिंग, ये क्या होता है? ठीक है, एक ही बात है, चाहे सिंडिकेट लोन बोल लीजिए या सिंडिकेटिंग लेंडिंग बोल लीजिए, एक ही बात है, दोनों में लोन दिया जा रहा है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, एक्चुअली सिंडिकेट का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है ना, टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, दैट इज नोन एज सिंडिकेट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एक पर्पस भी होना जरूरी है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंबाइन हो गए, किसी एक पर्टिकुलर एम के लिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कंबाइन हो गए, तो ऐसा ग्रुप कहलाता है सिंडिकेट। ठीक है, अब सिंडिकेट लेंडिंग में क्या होता है, सिंडिकेट लोन में क्या होता है? तो सी, यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो आपस में मिलकर के एक सिंडिकेट बनाते हैं, ये सब लोग मिलकर के किसी एक बोरोवर को लोन देते हैं। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मैं कुछ इंडिविजुअल्स बना देता हूं जिससे थोड़ा विजुअल इफेक्ट आ जाए आपके लिए, ठीक है, ये आपका एक सिंडिकेट हो गया, आप देख सकते हैं इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, और इनका पर्पस क्या है, इस ग्रुप का पर्पस है लोन देना। तो ये लोन देते हैं, दे लेंड आउट देयर मनी टू अ सिंगल बोरोवर। अब देखिए, ये जो सिंगल बोरोवर है, ये एक फर्म हो सकती है, कोई कॉर्पोरेट हो सकती है, ठीक है, कोई कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एंटिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंगल होता है। अब बात ये होती है कि ये सिंडिकेट बनाने की जरूरत ही क्या है। तो मान लीजिए इस बोरोवर को कोई बहुत बड़ा सम चाहिए लोन का, इतना ज्यादा लोन चाहिए कि किसी एक इंडिविजुअल को इस सिंडिकेट में जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ चार लोग हैं, ये चार के चार लोग लोन देना चाहते हैं, लेकिन इस बोरोवर को इतना पैसा चाहिए कि कोई भी एक इंडिविजुअल अकेले इतना पैसा नहीं दे सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब ये क्या करेगा, ये ऐसे ही और लोगों के साथ मिल करके एक सिंडिकेट बनाएगा और ये सारे लोग अपना पैसा कंबाइन करेंगे और इस बोरोवर को दे देंगे। तो बोरोवर का भी काम चल गया और इस सिंडिकेट का भी काम चल गया। सिंडिकेट का काम कैसे चल गया, क्योंकि इन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ये इससे इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है ना। सो सिंडिकेट लेंडिंग क्या करती है, इस सिंडिकेट को अपना पैसा इन्वेस्ट करने का, फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने का एक मौका दे देती है, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, इनको मौका मिल गया अपना पैसा इन्वेस्ट करने का, इंडिविजुअली ना कर पाते, अफोर्ड ना कर पाते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बोरोवर को किसी एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए और उसे एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए उसे ऐसे व्यक्ति से लोन चाहिए जो उस प्रोजेक्ट में स्पेशलाइज्ड हो, या ऐसा सिंडिकेट चाहिए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो ऐसे प्रोजेक्ट में स्पेशलाइज्ड हो, तो फिर वो ऐसे सिंडिकेट के पास जाएगा और सिंडिकेट उसे लोन आउट कर देगा, समझ रहे हैं। तो ये तो बात हो गई सिंडिकेट, सिंडिकेट को बेनिफिट क्या मिला कि ऐसे लोग जो अकेले पैसा नहीं दे सकते थे उन्होंने कंबाइन करके दे दिया, उन्हें बेनिफिट मिल गया, उनका पैसा इन्वेस्ट भी हो गया। दूसरी बात ये है कि सिंडिकेट को एक और बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, कि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिस्क का, मान लीजिए इनमें से कोई एक इंडिविजुअल लोन देता, ये इंडिविजुअल लोन देता और ये बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता इसके पैसे पे, तो
तो इसका सारा का सारा पैसा डूब जाता। He would have suffered a lot। लेकिन अब क्या हुआ, जब कई सारे लोगों ने मिलके लोन दिया तो सबका शेयर कम हो गया। Yes or no? टोटल जो प्रिंसिपल है उसमें सबका कुछ 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 परसेंटेज है, कुछ कुछ शेयर है, राइट? तो अब अगर डिफॉल्ट हो भी जाता है तो कोई एक इंडिविजुअल 100% लॉस सफर नहीं करेगा। लॉस डिवाइड हो गया, रिस्क डिवाइड हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया रिस्क का। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ सिंडिकेट लेंडिंग। ठीक है, आई होप द टॉपिक वॉज क्लियर टू यू, ओके, एंड इट वॉज हेल्पफुल एज वेल। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।